रायपुर में 2 दिवसीय इको बाल मेले के अंतिम दिन स्कूली बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर पहुंचे। बच्चों की इस पहल की प्रशंसा करते हुए मंत्री अकबर ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति भी रक्षा वर्तमान की जरूरत है। उन्होंने कहा बच्चे देश का भविष्य है, यदि यह पीढ़ी पर्यावरण संरक्षण के प्रति संकल्पित हो जाए तो प्रकृति की रक्षा के लिए इससे बड़ा काम और कुछ नहीं हो सकता। हम सभी को पर्यावरण संरक्षण के लिए अपनी जवाबदारी समझनी चाहिए। इस मौके पर मंत्री अकबर ने प्रदेश के उत्कृष्ट इको क्लब को भी सम्मानित किया। मैं बच्चों को जो है यहाँ प्रदर्शन के लिए लेकर के आया हूँ। तो मैम, जो इस वेस्टेज आइटम होते हैं, ये वेस्टेज आइटम जो है पूरे पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, और प्रदूषण को हम कैसे दूर करें, ये वेस्टेज आइटम को कैसे हम जो है रिसाइकल करें, उसका एक मॉडल अपन बना करके जो है प्रदर्शनी में लगाए हुए हैं। और ई वेस्ट मटेरियल को अगर जो है गला करके जो है मशीनरी में उपयोग करते हैं, मशीनरी में उपयोग करके प्लास्टिक के द्वारा जो है सड़क बनाने का काम जो है करते हैं। अलावा वन विभाग की तरफ से भी पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए लगातार जो कार्रवाई की जा रही है, जैसे नदी तट वृक्षारोपण 100 मीटर के पूरी चौड़ाई तक जहाँ जहाँ स्थान उपलब्ध हो वो हम लोग उसमें वृक्षारोपण का काम करते हैं। उसके अलावा जैव विविधता के संबंध में भी बहुत अच्छी कार्रवाई वन विभाग की ओर से की जा रही है। और जहाँ तक पर्यावरण के संरक्षण के लिए जो लगातार मॉनिटरिंग सिस्टम है, जिसमें एयर क्वालिटी इंडेक्स का भी मापन किया जाता है।